हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, आज हम सीखेंगे फिक्स्ड प्रेपोजिशन के बारे में। कई वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूं। आज जो हम सीखेंगे गाइस, ये है कि अटैचमेंट, जो एक वर्ड है अटैचमेंट, इसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है, और एक वर्ड है एटीट्यूड, इसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा। तो सबसे पहले देखते हैं अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब होता है किसी से आपको लगाव है तो आपका अटैचमेंट है। अब वो किसी इंसान से हो या किसी चीज से हो, अगर आपका लगाव है तो उसके साथ आप टू का इस्तेमाल करेंगे, अटैचमेंट टू। चूंकि फिक्स्ड प्रेपोजिशन है तो आप बस एक बैठा लीजिए दिमाग में कि अटैचमेंट टू होगा, अटैचमेंट विद नहीं होगा। क्योंकि कई बार हम अपने हिसाब से ना हिंदी सोचकर लगा देते हैं कि उसके साथ, तो साथ मतलब विद, ऐसा सोचने लगते हैं। तो फिक्स्ड का मतलब है कि है तो है, मानना पड़ेगा आपको। तो अटैचमेंट के साथ टू लगाइए, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या कोई चीज हो, इसका मतलब है लगाओ। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू माई फ्रेंड, यानी कि मेरा मेरे फ्रेंड से एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, एक गहरा लगाव है। तो अटैचमेंट के बाद टू, और टू के बाद उस व्यक्ति का नाम या किसी चीज का नाम रख सकते हैं। तो माई फ्रेंड हमने रख दिया। एक और देखिए, शी हैज एन अटैचमेंट टू हर लैपटॉप। अब एक लड़की है और उसका जो लगाव है उसके लैपटॉप से ज्यादा है, तो शी हैज एन अटैचमेंट किससे है, तो टू हर लैपटॉप, या विद हर लैपटॉप हम नहीं बोलेंगे। तो अटैचमेंट के साथ आपको टू का इस्तेमाल करना है। ये इंसान के लिए भी है और किसी चीज के लिए भी है, तो ये बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं एटीट्यूड। अगर किसी का एटीट्यूड है तो एटीट्यूड के साथ जो प्रेपोजिशन लगेगा, एटीट्यूड का मतलब कि उसका रवैया, उसका बर्ताव, एटीट्यूड के साथ लगता है टुवर्ड्स। एटीट्यूड टुवर्ड्स, और वो चाहे किसी व्यक्ति के लिए हो या कोई चीज के लिए हो। जैसे शी हैज अ वेरी बैड एटीट्यूड टुवर्ड्स हर वर्क, यानी कि उसका उसके काम के प्रति, अपने काम के प्रति जो रवैया है ना, बहुत ही बुरा है। तो शी हैज अ वेरी बैड एटीट्यूड। अब एटीट्यूड के बाद हमने टुवर्ड्स बोला और फिर हर वर्क बोला, तो इस वर्क के साथ, वर्क के प्रति जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल खराब है, तो टुवर्ड्स हमने बीच में लगा के कनेक्ट कर दिया। ये है। एक और देखिए कि हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज वाइफ इज डिसरिस्पेक्टफुल, यानी कि उसका जो रवैया अपने पत्नी के प्रति जो है वो डिसरिस्पेक्टफुल है, वो आदर वाला नहीं है। तो यहां एटीट्यूड के बाद टुवर्ड्स हुआ, उसके बाद उस व्यक्ति का नाम हो गया। तो आप समझ रहे गाइस, तो ये छोटा सा वीडियो है। तो अटैचमेंट के साथ टू का इस्तेमाल और एटीट्यूड के साथ टुवर्ड्स का इस्तेमाल होता है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।